दोस्तों राधे राधे नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल हम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हम लगे पड़े हैं एक हफ्ते से रुपाई करने के लिए और सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं हो पाई है। अभी टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं, दिन छुप गया है और हम अभी पौध वाली क्यारी में हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो नहाने के लिए आ गए हैं, अपना अपना सामान लेके। आपको पता है अपना बाथरूम बना लिया है, नाइट वाला खतरा आपने देखा ही है पहले, तो वहाँ लोग लगे पड़े हैं और हम लाइन लगा पड़े हैं। तो अपने अपने कपड़े लेके थोड़ा वही कर लें, पौध निकाल लें। तो क्या करें, आज तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही, क्योंकि सुबह से शाम तक खेत में हो जा रहे हैं। तो हमने सोचा दो चार बातें तो आपके आज हम पारो से कराएंगे। तो पारो कैसा लग रहा है? क्या बताएं, बहुत बेकार लग रहा है, थक गए हैं एक हफ्ते से काम करते करते। तो क्या करें, हालत हो गई है खराब, तो बोलने की भी बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, इतने काले हो गए हैं। मतलब ना, जो पहले जो पहचान में आते थे, शायद जो अब देखेंगे ना तो पहचान ही नहीं पाएंगे ना। मतलब हाँ, अब क्या आपने पता नहीं, इसमें थोड़ा गोरा दिख रही है, वैसे काली बस थोड़ी और वो है ना। तो क्या बता, हालत हो गई है खराब। लोग शाम के 7:30 बजने वाले हैं और अभी हम लगे पड़े हैं उखाड़ने। और पता नहीं कितने दिन हम सोच रहे हैं थोड़ा ये काम हो जाए, तो थोड़ी मजूरी वजूरी मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, 200-400 रुपए कमा लें तो क्या शॉपिंग वॉपिंग हो जाए। क्यों पारो, तो नई ड्रेस में दिखाते हैं, फिर जाते हैं घूमने। हालत देख रहे हैं आजकल, तो हमारे ड्रेस का भी लापता है, जो पुराने पुराने कपड़े होते हैं ना वो निकाल रखे हैं पौध लगाने के लिए, क्योंकि हालत हो जाती है खराब। तो अब हम नेक्स्ट मेंबर से बात कराते हैं आपकी, जो बेचारा जिसकी हालत बहुत खराब है। ये है जो बेचारा कभी आजकल खड़े होने के, बैठने के, बोलने के, लेटने के, खाने के लायक नहीं बचा है। सानिया, आप कुछ कहना चाहेगी हमारे दोस्तों से? ये इतना थक गई है कि बेचारी बोलने के भी वो नहीं है। और ये आप इसको नहीं जानते होंगे, मेरी छोटी भतीजी है अक्षरा। तो हालत खराब है कि नहीं है, पौध लगाने कैसा लगता है? तो इसकी भी हालत खराब है थोड़ी बहुत लगा के। इस बार पहला सीजन है इसका पौध लगाने का ना, खाना बनाती है आजकल, घर पे खाना बनाना सीख रही है। तो भैया अक्षरा की भी स्टार्टिंग हो गई है पौध लगाने की, सेटिंग हो गई है, मतलब पौधे लगाने लग गई है। और आज आए थे हमारे भतीजी, आ रखी है 9वां से, मतलब बड़ी भतीजी, वो भी शाम को चले जाएंगे खाना खा के। दक्षू, और आपको बताओ दक्षू आज बहुत खतरनाक से फिट गई है, बहुत डेंजर तरीके से छाप बन गए, छाप। तो उस पारो बताओ, बहुत डेंजर से, मतलब उसको आज बहुत मार दिया, छाप बन गए, छाप बन गए, उसके गाल में मेरी उंगलियां छप गई और उसके पैर में भी चप्पलों से मारा यार उसने। दिमाग खराब, जितनी बड़ी हो रही है उतनी बेकार हो रही है, तो दिमाग उसने ख़राब कर रखा है। और आजकल तो वैसे ही दिमाग ख़राब है, एक तो सुबह से जाओ रुपाई उपाई करने और पौधों हम ही निकालते हैं, हम ही लगाते हैं, और सुबह से कुछ ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यार थोड़े दिन बाद सोच रहे हैं ये कार सारा काम हो जाएगा तो चलते हैं कहीं घूमने, कहीं नहीं आप बताइएगा, कहीं नई जगह हो खटीमा के आसपास तो हम वहीं पर जाके आपको कुछ दिखाएँ, क्योंकि हमें तो कुछ पता भी नहीं है कुछ नई जगह है कि नहीं। बता दूँ हमारे इधर कुछ नहीं है घूमने लायक, खटीमा में तो शायद रेस्टोरेंट है 2-4 और उसके अलावा शायद कुछ भी नहीं है ना सानिया। हाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ घूमने लायक ही नहीं, एक पार्क भी नहीं मिलेगा, मतलब सब गांव के लोग हैं तो इधर खेते ज्यादा है, खेत में घूमते हैं ज्यादा। हाँ खेत में घूमते हैं, पौध लगा लो चाहे गेहूँ लगा लो चाहे, मतलब हमारे यही काम है। तो घूमने जाओ तो बहुत दूर जाओ, उसके लिए आपको पता है पैसे होने चाहिए, बिना पैसों का तो कहीं जाना, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, गाड़ी में जाओ, तो हर जगह पैसे चाहिए। तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी लगा लें और मजदूरी वजदूरी कर लें आपको कुछ दिखाने के लिए, पर यार काम ही ख़त्म ना हो रहा, हालत हुई ख़राब, ना बैठने के लायक बचे हैं, ना खड़े होने के, ना लेटने के। शाम को आ गए नहाने, कपड़ा झोला झंडी लेके आ गए हैं, ये इसमें हमारे कपड़े हैं, और कपड़े धुलने भी है और नहाना भी है, और रात हो जानी है आज सच्ची में। तो हम टाइम पास भी कर रहे हैं, टाइम पास के साथ साथ भी यही काम चल रहा है। जिसको पसंद है ना अगर रुपाई लगाना, पौध निकालना, तो यहाँ पे आ जाइए, थोड़ी मदद भी हो जाएगी। पर क्या बता, हमारी ज़्यादा ही तर हालत ख़राब हो गई है, देख ही रही हो कितनी हालत खराब। आपको बताइए, मैं रोज़ ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो रोज़ रुपाई करना हुआ, रुपये पौध निकालने हुई, एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया होगा, हम यही काम दो हफ्ते होने वाले हैं। और रोज़ सुबह 4 बजे से उठ जाना होता है, आपको बताइए, सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं और गर्मी में नहीं चल पाते हैं हम, क्योंकि 4 बजे से थोड़ा ठंडा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है तो हम सुबह से चले जाते हैं और 1 बजे आते हैं, और बिना खाना खा के, और खाना अगर खा के जाएंगे तो कुछ काम नहीं होता है। तो भैया क्या करें, हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, क्या बताएं, ब्लॉग क्या बनाएं, जब हालत ही सही नहीं है तो ब्लॉग क्या बनाएं। तो आज तो सुबह ऐसे ही फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं, फ़ोन चलाने का टाइम मिलता नहीं है। तो अभी शाम को हमने कहा ये सब निकालना है, तो थोड़ा
नहीं तो आप कहोगे भैया आज तो कोई ब्लॉग ही नहीं आया, क्या पता आप हमको मिस करें। आप तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हम आपको जरूर मिस करेंगे, इसलिए हमने कहा दो चार मिनट थोड़ा मोबाइल निकाल लें और आप लोगों से मिल लें। तो फिर हो गया है शाम और हम अभी नहाएंगे, नहा के फिर घर जाएंगे, घर जाके फिर खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खा के और इतनी दुख भरी बात बता दूं, इतने थक बहुत जाते हैं और फिर जाके पता है आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिट करने में आपको पता है एक घंटा समथिंग लग ही जाता है, तो फिर फिर एडिट करो तो बहुत टाइम लग जाना है, तो यार बहुत नींद आती सोते सोते मैं एडिटिंग कर देती हूँ, तो आजकल थोड़ा ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग सब परेशान हैं, हम तो ऊपर से नल में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है तो और दिक्कत है, आपको पता ही हम खेतों में आते हैं कपड़े धुलने के लिए नहाने के लिए, तो हालत हो गई इतनी ख़राब आप देख ही सकते हो, लोग बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेटे लेटे बेचारे पौध नोच रहे हैं और लोग वहाँ हीरो बन गए हैं, इधर ये हमारे दामाद जी हैं बड़े, तो ये आए थे रुपाई करवाने के लिए, तो ये नहा धो के रेडी हैं और वहाँ हमारी भतीजी नहा रही हैं बाथरूम में, जो नया स्टाइल का बाथरूम है तो वहाँ उन्होंने नहा लिया है और हमारी लाइन तो आपको पता ही है लगी गई है, तो भैया जिसको नहाना जाए लाइन ये कपड़े उसके हाँ तो लाइन लगी है, कौन पहले जाता है, नहाते नहाते हो जाने वाली है रात, और रात तो हो ही जाएगी क्योंकि अभी रात होने वाली है आपको पता ही है, और यहाँ लोग बैठ भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा ही ग्रस्त है, कहीं ऐसा ना हो रुपाई लगाते लगाते इनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़े, गंभीर हाँ गंभीर ये उठा के ले जाएंगे फिर उठा के अंधेरा होने वाला है तो क्या करें, हाँ हाँ। तो आज का ब्लॉग हम अभी स्टार्ट किया था और अभी समाप्त कर दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी धुलने हैं कपड़े और नहाना है और जाके खाना खाना है, एडिटिंग करनी है, फिर सो जाना है, अब कल थोड़ा और बचा है, अभी तो पता नहीं दो चार दिन और लगी जाने क्योंकि अभी है, तो दो चार दिन बाद थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी तो कुछ काम धाम करते हैं, तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा तो क्या लगेगा, कुछ है ही नहीं तो प्लीज़ यार नहीं भी लगे फिर भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो अभी के लिए फिलहाल पारो बाय बाय कर दो, हाँ तो भैया बाय बाय कर दो भैया बाय, हाँ तो ठीक है फाइनली बाय बाय राधे राधे।